भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश के लिए ये आज ऐतिहासिक दिन है। जिस टनल का सपना श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देखा था और आज उसका जो है उद्घाटन हुआ है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये लाहौल स्पीति जो क्षेत्र जो है, बहुत बड़ा फायदा इस क्षेत्र को होने वाला है टूरिज्म के क्षेत्र में, और रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं आज के इस मुबारकबाद मौके पे तमाम हिमाचल वासियों को और खासकर हमारे जो लाहौल स्पीति के लोग हैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इस टनल की बात है, भाजपा ने खाली नामकरण के अलावा कुछ किया नहीं, कोई योगदान इनका रहा नहीं। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन में कहीं भी इंदिरा जी का, सोनिया गांधी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, पूर्व में जो यूपीए सरकार रही है देश में, कोई उन्होंने चर्चा नहीं की। और जहाँ तक उनके भाषण का सवाल है, हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल में जो आज परिस्थितियाँ बनी हैं, जिस ढंग से कोरोना महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारा टूरिज्म तबाह होके रह गया है, कि हिमाचल के लिए कुछ अनाउंस करके जाते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से निराशाजनक है, क्योंकि सभी को ये उम्मीद थी कि हिमाचल के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी कोई ना कोई घोषणा करके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान इस देश की सुरक्षा को लेकर रहा है। हमारे जो जवान हैं वो सीमाओं पे अपने प्राणों की बलि देकर इस देश की सुरक्षा करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। हम वनों की देखरेख करते हैं, वनों को बचाते हैं, तभी देश का पर्यावरण जो है सुरक्षित है। लेकिन मुझे लगता है इस योगदान के बदले जो हिमाचल को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। प्रधानमंत्री ना तो खुद किसान है ना बागवान है, वो रटी रटाई बातें जो है करते हैं। मैं तो खुद बागवान हूँ। आज इस कानून बनने से जितना नुकसान आने वाले समय में किसानों और बागवानों को होगा, मैं समझता हूँ कि किसान और बागवान इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को कभी माफ़ नहीं करेंगे। हमारे को तो पहले भी पाबंदी नहीं थी बागवानों को, कोई भी बागवान अपना सेब कहीं भी बेच सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने APMC को डाउनग्रेड किया, जिस तरह से इन्होंने मंडियों को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में अडानी है, अंबानी है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में साल फसल बहुत ज़्यादा बहुत कम थी, बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे थे, लेकिन जिस दिन अडानी ने अपने रेट खोले उस दिन मार्केट जो है धड़ाम से नीचे गिर गई। क्योंकि जो CA स्टोर्स हैं वो सारे अडानी के पास है, और आने वाले समय में क्या होगा, जब मंडी नहीं होगी तो बागवानों को अपना सेब मजबूरी में बड़े बड़े जो ये विक्रेता हैं इनको बेचने पड़ेंगे, क्योंकि सेब पेरिशेबल आइटम है, उसको आप ज़्यादा देर रख नहीं सकते, तो डिस्ट्रेस सेल होगी। और इसका फ़ायदा जो है अडानी को होगा और उन कंपनियों को होगा जिनके पास CA स्टोर हैं, और बाद में वो किसानों और बागवानों से बहुत कीमत में सेब खरीदेंगे और स्टोर करेंगे, और उसके बाद जो है उपभोक्ताओं को जो है बहुत ज़्यादा दामों में वो सेब बेचेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारे बागवान हैं उनको बहुत ज़्यादा इस कानून का नुकसान हुआ है, और जिस तरह से देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं, हिमाचल के बागवान भी जो है इस कानून से खुश नहीं है, हमारे जो बागवान है वो भी इसका जो है पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सर, जिस तरह से हाथरस एक ऐसा मौका था जहां क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए था और प्रधानमंत्री जी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। उनको ऐसे मुबारक मौके पे शोभा नहीं देता था, देता है कि वो इस तरह की बात करे। कांग्रेस ने इस देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाई है,
ये कांग्रेस के समय की सरकारें रही हैं, जब हमने 1965 में पाकिस्तान को परास्त किया, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के जो है दो टुकड़े किए, और जब भी किसी हमारे शत्रु ने हम पे आंख दिखाने की कोशिश की, हमने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। तो ये आरोप जो प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितनी आज जो हालात हैं, जिस तरह से सीमाओं पे तनाव है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे छोटे छोटे जो मुल्क हैं, वो भी हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये इस बात का परिचायक है कि हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत कमजोर है, या उन छोटे छोटे देशों को ये लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है पहले के मुकाबले कमजोर हुआ है। चल रहे थे उससे पूर्व जब विधानसभा के चुनाव हुए, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणाएं यहाँ की, उन घोषणाओं पे भी जो है आज तक अमल नहीं हो पाए। वो चाहे किसानों और बागवानों को लेकर उन्होंने घोषणाएं की हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों को लेके घोषणाएं उन्होंने की हो, आज भारतीय जनता पार्टी जो पुराने जो वायदे थे, जो घोषणाएं थी, उनसे बिल्कुल मुकर गए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम मैंने 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना काल में इस देश को दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें हिमाचल की क्या हिस्सेदारी है। और मैंने तो अभी 2 दिन पूर्व प्रेस वार्ता में भी ये मांग की थी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हिमाचल के जो हिमाचल की परिस्थितियां हैं, हिमाचल के जो हालात हैं, वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखें, और हिमाचल में जो हमारा उद्योग धंधा है, हमारे छोटे उद्योग हैं, वो लगभग ख़त्म होके रह गए हैं, हमारा टूरिज्म ख़त्म हो गया है, हमारी जो इकनॉमी है इस वक्त जर्जर हालात में, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें उम्मीद थी कि शायद हिमाचल के लिए कोई घोषणा प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर निराशा जो है वो हिमाचलियों के हाथ लगी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाथरस में जो हुआ वो बहुत दुखद घटना थी, और मेरी समझ में ये नहीं आ रही बात कि पर्दा डालने का क्यों प्रयास हो रहा है, क्यों लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं हो रही। अगर आप राजनीतिक दलों के नेताओं को रोक रहे हैं, तो मीडिया को जाने की इजाज़त क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब सरकार वहाँ कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है, कहीं ना कहीं लिपापोती हो रही है, और ये अच्छे संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। मैं ये समझता हूँ कि आज पूरे देश में इस कांड को लेकर जो है उबाल है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। हमने भी हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों जो है प्रदर्शन किए, और आने वाले समय में भी हमारे जो प्रदर्शन है, चाहे किसानों के लिए जो काला कानून बना है, चाहे उसको लेकर हो या जो यूपी में हुआ है, हमारे जो अनवरत जो है हमारा जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो जारी रहेगा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।